हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रदीप मथुरिया, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, डूंगरपुर। टुडे वी विल टेक टॉपिक डेप्रिसिएशन, ऑब्सोलेसेंस, एमोर्टाइजेशन। इट फॉल्स अंडर ME 307, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। फर्स्ट वी वांट टू नो व्हाट इज डेप्रिसिएशन। इसको आप ऐसे समझिए, किसी भी चीज़ की कीमत, आपका मोबाइल है, आपने नया लिया 10,000 का, 3 साल काम में लिया और बाद में उसके कोई 2,000 रुपये देता है आपको, तो यहाँ पर डॉलर की वैल्यू या पैसे की वैल्यू समय के साथ में डाउन होती जाती है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैल्यू डाउन होती जाएगी। फॉर एग्जांपल, यू वांट टू बाय ए कंप्यूटर सर्वर फॉर $5,000। बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस यू एस्टिमेटेड 3 ईयर्स लाइफ स्पैन एंड ए सालवेज वैल्यू ऑफ $200। तो आपने 5,000 का कोई आइटम लिया, 3 साल बाद में 200 रुपये उसकी वैल्यू रह गई, आपने उसको 3 साल काम में लिया, तो इस डिफरेंस को डिवाइड बाई 3, 1600 यूनिट आपने पर ईयर उसको यूज़ किया। तो ये डेप्रिसिएशन का एब्स्ट्रैक्ट है कि इस तरीके से ये 1600 रुपये जो अपन ने निकाले हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से निकाले जाते हैं। What is depreciation? Depreciation is an accounting method of allocating the cost of tangible or physical asset over the useful life for life expectancy. Depreciation accounting का एक ऐसा तरीका है जिसमें उस physical item की जो price है उसको हम divide कर देते हैं जब तक कि वो काम आएगा। जैसे 5 साल काम आ सकता है, 10 साल काम आ सकता है। डेप्रिसिएशन रिप्रेजेंट्स हाउ मच ऑफ एन एसेट्स वैल्यू हैज बीन यूज्ड अप। डेप्रिसिएशन किसी समय ये बताता है कि उस एसेट का कितनी वैल्यू यूज हो चुकी। अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का कोई या 10 लाख की कोई कार ली, तो डेप्रिसिएशन ये बता देगा कि 3 साल बाद उस कार की कीमत कितनी है, 5 साल बाद उस कार की कीमत कितनी होगी, 10 साल बाद उस कार की कीमत कितनी रहेगी। Depreciation is a method of spreading the cost of an asset over a specified period of time, typically the asset's useful life. समझ ही गए होंगे आप, depreciation वापस वही तरीका है, cost को पूरे एक specified उसका life time उस पर divide कर देना। The purpose of depreciation is to match the expenses of obtaining an asset to the income. It helps a company earn. ये जो डेप्रिसिएशन अमाउंट होगा ये हर साल दिखाया जाएगा कि ये एक तरीके से प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर ये लॉस दिखाते जाएंगे, 1600 रुपये काउंट नहीं करेंगे इनकम टैक्स के लिए। डेप्रिसिएशन यूज्ड फॉर टेंजिबल एसेट्स विच आर फिजिकल एसेट्स सच एज मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, बिजनेस व्हीकल्स एंड कंप्यूटर्स। ये डेप्रिसिएशन टेंजिबल जो अपने को नज़र आते हैं, फिजिकल जिनको अपन टच कर सकते हैं, ये फिजिकल एसेट्स हैं जो जैसे मैन्युफैक्चरिंग की मशीनरीज, उस बिजनेस में काम आने वाले व्हीकल्स एंड कंप्यूटर्स। डेप्रिसिएशन इज ए मेजर ऑफ हाउ मच ऑफ एन एसेट्स वैल्यू हैज बीन यूज्ड अप एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ये हमको बता देता है किस पर्टिकुलर टाइम तक उस एसेट का कितना इस्तेमाल हो चुका है, उसकी वैल्यू कितनी यूज में आ चुकी है। डेप्रिसिएशन इज अकाउंटिंग कन्वेंशन दैट अलाउज ए कंपनी टू राइट ऑफ एन एसेट्स वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कॉमनली द एसेट्स यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ के हिसाब से उस एसेट की एक राइट ऑफ वैल्यू पता पड़ती जाती है कि राइट ऑफ होने के बाद में ये वैल्यू कितना देगा। एसेट्स सच एज मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स आर एक्सपेंसिव, क्योंकि ये मशीनें और इक्विपमेंट्स महंगे होते हैं, इसलिए इनका ये असेसमेंट जरूरी होता है। इंस्टेड ऑफ रियलाइजिंग द एंटायर कॉस्ट ऑफ एसेट्स इन ईयर 1, डेप्रिशिएटिंग द एसेट ऑल अलाउज कंपनीज टू स्प्रेड आउट द कॉस्ट एंड जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम इट। अब ये क्यों जरूरी हो रहा है, मान लीजिए 1 करोड़ की मशीन है, 1 करोड़ की मशीन 10 साल चलेगी, 10 साल बाद हो सकता है मशीन नई 1.10 करोड़ की हो, 90 लाख की हो, तो अगर ये पहले से नहीं सोचा जाएगा, ये पैसा इकट्ठा करके पहले से नहीं रखा जाएगा टुकड़ों टुकड़ों में, तो जब 10 साल बाद अचानक 1 करोड़ रुपये कहाँ से आएंगे। तो कंपनी क्या करती है, उस डिवाइडेड डेप्रिसिएशन मनी को सेपरेट रखती जाती है जो कि प्रॉफिट में काउंट नहीं होता, तो एक तरीके से वो सेविंग होती जा रही है, वो सेविंग जिस पे आपको टैक्स भी नहीं देना है, प्रॉफिट में काउंट नहीं हो रहा है, वो पैसा 10 साल बाद आप एकदम नई मशीन लेने के लिए काम में ले सकते हैं। डेप्रिसिएशन हेल्प्स टू टाई द कॉस्ट ऑफ एन एसेट विद द बेनिफिट ऑफ इट्स यूज ओवर टाइम।
इन अदर वर्ड्स ईच ईयर द एसेट इज़ पुट टू यूज़ एंड जनरेट्स रेवेन्यू. द इंक्रीमेंटल एक्सपेंस एसोसिएटेड विथ यूजिंग ऑफ द एसेट इज़ ऑल्सो रिकॉर्डेड. दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये एक तरह का रेवेन्यू जनरेशन है कि आपने 4,000 रुपये उस मशीन से हर साल सेपरेट रखते जा रहे हैं जो आपको खर्चों में नहीं आ रहा है. द टोटल अमाउंट दैट डेप्रिशिएटेड ईच ईयर रिप्रेजेंट्स एज ए परसेंटेज इज कॉल्ड द डेप्रिशिएशन रेट. जो हम परसेंटेज निकालते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड से निकालेंगे वो डेप्रिशिएशन रेट कहलाएगी उस आइटम की. हो सकता है उसके निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. अब देखिए इंटरनल इश्यूज़ क्या होते हैं डेप्रिशिएशन के. वियर टीयर, इसकी वजह से अपने आप डेप्रिशिएशन होता है. उस चीज़ की वैल्यू क्यों घटती है, क्योंकि वो उसमें वियर का मतलब, वियर टीयर का मतलब क्या है, चेन या टायर घिसता है, दिस इज़ वियर. टीयर कहीं से कट लग गया, टूट गया, सो दिस इज़ वियर एंड टीयर. एग्जॉस्ट चीज़ अपने आप में ही वीक होती जाती है, डिप्लीशन ख़त्म होती जाती है, वो आइटम एंड होता जाता है. डिटेरियोरेशन, समय के साथ में उसमें जंग भी लगता है, कमज़ोर भी पड़ती है. तो ये सब कारण हैं जो डेप्रिसिएशन के होते हैं. कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, वेयर एंड टीयर, पेरिशेबिलिटी, यूजेज राइट, नेचुरल रिसोर्सेज यूजेज, इनएफिशिएंसी, ऑब्सोलेंस. आप इनको वन बाय वन समझते हैं. वेयर टीयर, एनी एसेट ग्रेजुअली ब्रेक्स डाउन ओवर ए सर्टेन टाइम वाइल यूजिंग इट एज पार्ट्स वेयर आउट एंड नीड टू बी रिप्लेस्ड. पार्ट घिसता जाता है, इवेंचुअली मस्ट बी डिस्पोज ऑफ बिकॉज इट कैन नो लॉन्गर बी रिपेयर्ड. एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि उसके बाद वो पार्ट रिपेयर भी नहीं होता. दिस इज मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर प्रोडक्शन इक्विपमेंट विच यूजली हैज ए मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंडेड लाइफ स्पान दैट इज बेस्ड ऑन ए सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. कई बार तो ऐसे होता है कि लाइफ स्पान ऐसे होता है कि ये चीज़ 10 साल चलेगी कितना भी काम में लो. कई बार ऐसा होता है कि ये मशीन इतने आइटम बना देगी, इसके बाद फिर ये इसका कोई गारंटी नहीं रहेगी. तो उस समय पर ये अपने आप चीज़ की वैल्यू डाउन होती जाती है. अदर एसेट्स सच एज बिल्डिंग कैन बी रिपेयर्ड एंड अपग्रेडेड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अब बिल्डिंग है या दूसरी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिनको आप टाइम के साथ रिपेयर करके और लंबे समय तक काम ले सकते हैं. तो ये सब चीज़ें कंपनी में आने के बाद में देखना पड़ता है किस आइटम की डिप्रिसिएशन में वैल्यू रेट बढ़ेगी, किसकी कम होगी. पेरिशेबिलिटी, सम एसेट्स हैव एन एक्सट्रीमली शॉर्ट लाइफ स्पान, जैसे खाने की चीज़ें बहुत उनका शॉर्ट लाइफ स्पान होता है. दिस कंडीशन इज मोस्ट एप्लीकेबल टू इन्वेंट्री रादर देन फिक्स्ड एसेट्स. इन्वेंट्री के अंदर जैसे मान ली फिश का आइटम है, ब्रेड का आइटम है, फूड का आइटम है, तो उसकी लाइफ स्पान बहुत शॉर्ट होती है, तो उस समय इसको भी कंसिडर करना पड़ता है. यूजेज राइट, ए फिक्स्ड एसेट सच एज सॉफ्टवेयर डेटाबेस माइट ओनली यूजेबल टू योर बिजनेस फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. जैसे टैली है, टैली को आप बोलते हैं कि हमने टैली का रजिस्टर्ड वर्जन ले लिया, तो टैली क्या करती है, एक साल बाद आपसे डिफरेंट चार्ज देती है. आपने आज की डेट में मान लीजिए टैली 20,000 का परचेज किया, 25,000 का परचेज किया, तो ये नहीं है कि एक बार आपको लाइसेंस मिल गया, हो सकता है वो 3 साल बाद फिर आपसे 5,000 रुपये मांगेगी. तो आपको उस समय वो उस सॉफ्टवेयर के भी तो पैसे बचा के निकालने हैं, ये कि हाँ ये सॉफ्टवेयर के 3 साल बाद आपको फिर 5,000 रुपये जमा कराने हैं. इट्स लाइफ स्पैन टर्मिनेट्स व्हेन द यूजेज राइट्स एक्सपायर. कई सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनका ऐसा होता है कि 3 साल के लिए आपको लाइसेंस मिल रहा है, इसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है. डेप्रिसिएशन मस्ट बी कम्प्लीटली बाई द एंड ऑफ यूजेज पीरियड. दूसरे, नेचुरल रिसोर्स यूजेज, विथ नेचुरल रिसोर्सेज एसेट्स सच एज ऑयल और गैस रिजर्वायर डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्स कॉजेज डेप्रिसिएशन. इन दिस केस इट इज़ कॉल्ड डिप्लीशन रादर देन डेप्रिसिएशन. द पेस ऑफ डिप्लीशन चेंजेज व्हेन ए कंपनी ऑल्टर्स इट्स एस्टिमेट ऑफ रिजर्व रिमेनिंग. ये जैसे ONGC है, गैस है निकलती जा रही है, एक टाइम बाद वो एंड हो जाएगी, तो वो डिप्रिसिएशन के बाद में आपको नई माइंस लेनी पड़ेगी, नया कुआं लेना पड़ेगा. तो उस तरीके से डिप्रिसिएशन वहाँ पे डिप्रेशन के रूप में आता है. इनएफिशिएंसी ऑब्सोलेंस, इसको अपन डिटेल में देखेंगे आगे. व्हेन मोर एफिशिएंट इक्विपमेंट बिकम्स अवेलेबल ओल्ड इक्विपमेंट माइट बिकम ऑब्सोलेट दिस रिड्यूस द यूजेबिलिटी ऑफ द ओरिजिनल इक्विपमेंट. पहले जो स्विच वाले बटन वाले जो फ़ोन थे वो काम तो आज भी आ रहे हैं, लेकिन तब भी काम आते थे, लेकिन वो ओल्ड हो गए. नए एंड्रॉयड फ़ोन आ गए, आईफोन्स आ गए, तो उन्होंने क्या किया, इन नए फ़ोनों ने पुराने फ़ोनों का उपयोग कम कर दिया. तो ये भी एक तरह का डेप्रिसिएशन है. एग्जाम्पल देखते हैं अपन. इफ़ ए कंपनी बाईज ए पीस ऑफ इक्विपमेंट फॉर 50,000 रुपीज़, 50,000 का आइटम लिया, इट कुड एक्सपेंस द एंटायर कॉस्ट ऑफ एसेट्स इन ईयर वन और राइट द वैल्यू ऑफ द कॉस्ट द एसेट ऑफ ओवर द एसेट्स 10 ईयर. इसके मान लीजिए उस आइटम के 10 साल की अपन यूजफुल लाइफ मान के चली, 50,000 का आइटम लिया, 10 साल उसकी लाइफ है,
इन एडिशन टू द कंपनी कैन स्क्रैप द इक्विपमेंट फॉर 10,000 10,000 रुपये एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, जब वो आइटम कंप्लीट यूज हो जाएगा उसके बाद उसकी कीमत 10,000 रह जाएगी, विच मीन्स इट हैज़ द सेल्वेज वैल्यू ऑफ 10,000। तो 10,000 उसकी सेल्वेज वैल्यू हो गई, 50,000 का आइटम लिया, 10 साल चला। नाउ यूजिंग दीज वेरिएबल्स अकाउंटेंट क्या करेगा, कैलकुलेट्स डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेज एट द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ द एसेट एंड इट्स सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाई द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। यानी इसमें क्या होगा, कैलकुलेशन करने के लिए 50,000 रुपये का आइटम आया माइनस सेल्वेज वैल्यू 10,000 का वो बाद में बचेगा कितने साल बाद, 10 साल बाद। सो इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 10, यहाँ पे 50,000 का आइटम था, सेल्वेज वैल्यू 10,000 थी, ब्रैकेट लगाया, डिवाइड बाई 10 विच इज़ 4,000 ऑफ डिप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर। तो कंपनी क्या करेगी, पहले साल से ही 4,000 रुपये सेपरेट निकालने लग जाएगी, जिससे कि 10 साल के बाद में 40,000 हो जाएंगे और 10,000 रुपये हाथ में पहले से उसके स्क्रैप के बचे हुए हैं। तो जब उसको नया भी लेना होगा, या कह सकते हैं कि हमने 50,000 के आइटम को 10 साल में डिवाइड कर लिया। दिस मीन्स द कंपनीज अकाउंटेंट डज नॉट हैव टू एक्सपेंस द एंटायर 50,000 इन ईयर वन, इवन दो द कंपनी पेड आउट द अमाउंट इन कैश। इंस्टेड ऑफ कंपनीज ओनली हैज़ टू एक्सपेंस 4,000 अगेंस्ट नेट इनकम। अब उसको 4,000 रुपये के हिसाब से डिवाइड करना है उस पूरे नेक्स्ट 10 ईयर्स के स्पैन में। द कंपनी एक्सपेंसेस अनदर 4,000 नेक्स्ट ईयर एंड अनदर 4,000 द ईयर आफ्टर दैट एंड सो अनटिल द एसेट रीचेज इट्स 10,000 सेल्वेज वैल्यू इन 10 ईयर्स। नेक्स्ट टर्म इज अमोर्टाइजेशन। वॉट इज अमोर्टाइजेशन? अमोर्टाइजेशन इज ए मेथड ऑफ स्प्रेडिंग द कॉस्ट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट ओवर ए स्पेसिफाइड स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम विच इज़ यूजली द कोर्स ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। यहाँ आपने देखा एक नई टर्म आई है इंटेंजिबल। एक तो चीज़ें होती हैं टेंजिबल और एक होती हैं इंटेंजिबल। टेंजिबल चीज़ें नज़र आती हैं, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर या लैपटॉप है, ये टेंजिबल है, आप इसको छू सकते हैं, माउस को छू सकते हैं, पर जिस सॉफ्टवेयर से वो रन कर रहा है उसको छू सकते हैं नहीं। तो सॉफ्टवेयर जो है वो इंटेंजिबल हो गया, कंप्यूटर का पीस टेंजिबल हो गया। तो इसी तरीके से फैक्ट्री में जिसमें अपन मशीनें इक्विपमेंट व्हीकल्स देखते हैं ये सब टेंजिबल आइटम है, लेकिन इंटेंजिबल होते हैं, उनकी अपनी वैल्यू होती है। तो इंटेंजिबल एसेट्स आर नॉन फिजिकल एसेट जिनको अपन छू नहीं सकते, दैट आर नॉनथलेस एसेंशियल टू ए कंपनी सच एज पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। अब ये इन सब में खर्चा होता है, पेटेंट लेने में, ट्रेडमार्क में, कॉपीराइट्स में, लेकिन ये नज़र आता है कि ये सामान दिखता है, ये कहाँ रखा हुआ है? ट्रेडमार्क एक सिंबल बना हुआ है पेपर के ऊपर, ना ये घिस रहा है, लेकिन इसकी अपनी एक लाइफ है कि आपको उसके बाद में दोबारा लेना है, पेटेंट के पैसे जमा कराने हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई इंटेंजिबल। तो इसको, इस चीज़ को कहते हैं अमोर्टाइजेशन, ये वो वैल्यू होती है। द गोल इन अमोर्टाइजिंग एन एसेट टू मैच द एक्सपेंस ऑफ एक्वायरिंग इट विद द रेवेन्यू इट जनरेट्स। लेट्स से कंपनी स्पेंड्स 50,000 उसने किसी लाइसेंस को लेने में खर्च किए, लाइसेंस इस इन क्वेश्चन विल एक्सपायर इन 10 ईयर्स। अब जैसे आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं गाड़ी का, 2,000 रुपये दिए, लेकिन 10 साल बाद वो एक्सपायर हो जाता है, फिर रजिस्ट्रेशन दोबारा कराना है। तो जो 10,000 रुपये अगर आपको दोबारा देने पड़े तो उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी? तो आप डिवाइड करके रखेंगे कि मैंने 50,000 दिए लाइसेंस लेने के लिए, 10 साल में एक्सपायर होगा, तो मुझे ये डिवाइड करके रखना है, चूँकि 10 साल बाद उस लाइसेंस के कोई पैसे तो नहीं देगा, वो 50,000 ही यूज़ अप हो जाएंगे, यहाँ कोई सेल्वेज वैल्यू नहीं है। सिंस द लाइसेंस इज एन इंटेंजिबल एसेट इट शुड बी अमोर्टाइज फॉर द 10 ईयर्स पीरियड लीडिंग अप टू इट्स एक्सपायरेशन डेट। तो यहाँ पर सेल्वेज वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी। यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ अमोर्टाइजेशन विच इज़, अब इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों बोला, कि सीधा सा है, जितने का अमाउंट है उसको जितने साल चलेगा उसको डिवाइड कर लो, स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया, कोई माइनस नहीं करना। विच इज़ ए मेथड ऑफ चार्जिंग ए कॉस्ट टू एन एक्सपेंसेज एट ए कंसिस्टेंट रेट ओवर टाइम, द कंपनीज एनुअल अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेज फॉर द लाइसेंस विल बी 55,000, दैट इज 50,000 डिवाइड बाई 10 ईयर्स, मीनिंग द एसेट विल डिक्लाइन इन वैल्यू बाई 5,000 एवरी ईयर। यहाँ पर सीधा डायरेक्ट कैलकुलेशन हो गया। डिफरेंस क्या है अमोर्टाइजेशन डिप्रिसिएशन में? द की डिफरेंस बिटवीन अमोर्टाइजेशन एंड डिप्रिसिएशन इज दैट अमोर्टाइजेशन इज यूज फॉर इंटेंजिबल एसेट्स while depreciation is used for tangible assets. Another major difference is that amortization is almost always implemented using the straight line method, whereas depreciation can be implemented using either the straight line or accelerated method. यहाँ पर पहला अंतर तो ये समझ में आया कि amortization intangible assets के लिए होता है
और डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स के लिए होता है। टेंजिबल एसेट्स वापस सोचिए, कंप्यूटर, व्हीकल, मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी मशीनरी, इंटेंजिबल, लाइसेंस, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट। दूसरा डिफरेंस, स्ट्रेट लाइन मेथड, सीधा डिवाइड किया ईयर से। और डेप्रिसिएशन की जो दूसरी तरीके हैं उसके कई सारे तरीके हैं, वो एक्सेलरेटेड मेथड है, उसको अपन अकेला स्ट्रेट लाइन से नहीं लेते। दूसरा, फाइनली बिकॉज दे आर टेंजिबल एमोर्टाइज एसेट्स डू नॉट हैव ए सैलवेज वैल्यू, उनकी सैलवेज वैल्यू नहीं है। लाइसेंस आपका 5 साल चला, उसके तो उस लाइसेंस की कोई वैल्यू नहीं है। विच इज़ एस्टिमेटेड रीसेल वैल्यू ऑफ एन एसेट ऑफ एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। डेप्रिशिएटेड एसेट्स बाई कंट्रास्ट ऑफन हैव ए सैलवेज वैल्यू। जो डेप्रिशिएटेड एसेट्स होते हैं, जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं, वो उनकी अपनी एक सैलवेज वैल्यू होती है। एन एसेट सैलवेज वैल्यू मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स कॉस्ट टू डिटरमाइन द अमाउंट इन विच इट कैन बी डेप्रिशिएटेड। डेप्रिसिएशन के केस में सैलवेज वैल्यू माइनस करनी है, ऊपर के केस में कोई भी वैल्यू माइनस नहीं होगी। नेक्स्ट टर्म ऑब्सोलेसेंस, एक टर्म आती है इसमें ऑब्सोलेसेंस क्या होता है। एमोर्टाइजेशन अलग हो गया, डेप्रिसिएशन अलग हो गया, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, इनोवेशन, मार्केट ट्रेंड एट्सेट्रा इन द मार्केट लीड टू प्रोडक्शन ऑफ न्यू एंड इम्प्रूवड एसेट। अब मार्केट में नए नए आविष्कार होते हैं, नए नए ट्रेंड आते हैं, तो नई नई चीज़ें भी आती हैं। इट कॉजेज ए रिडक्शन इन द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ द एसेट्स विच आर करेंटली बींग यूज। आपके पास में आईफोन मान लीजिए 5 है, अब वो सारे काम कर रहा है, लेकिन मार्केट में 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, 8 भी आ गया, 9 भी आ गया, 10 भी आ गया। अब आईफोन 5 वर्किंग कर रहा है, केवल स्लो कर रहा है, लेकिन अब उसकी वैल्यू, जो आईफोन 5 आप सेकेंड बेचते, मान लीजिए आपने 50,000 का फ़ोन लिया, सेकेंड हैंड आप तुरंत उसको बेचेंगे, 2 साल, 3 साल बाद, 4 साल बाद, हो सकता है 25,000 मिल जाए, हो सकता है 20,000 मिल जाए, लेकिन मार्केट में नए मॉडल अगर आ गए तो वही 3 साल बाद आपका मॉडल कोई 500 रुपये का भी नहीं लेता। तो ये सीन आता है ऑब्सोलेसेंस में। इट कॉजेज ए रिडक्शन इन द मॉनेटरी वैल्यू, उसकी उसकी मतलब पैसे वाली वैल्यू बहुत कम हो जाती है, तो जो भी आप करंट यूज़ कर रहे हैं। दिस होल प्रोसेस ऑफ एन एसेट बिकमिंग आउट ऑफ डेट एंड लूजिंग इट्स इकोनॉमिक वैल्यू इज कॉल्ड ऑब्सोलेसेंस। ये है ऑब्सोलेसेंस। तो इसको आप मोबाइल के एग्जाम्पल से याद रखिए। कंसेप्ट ऑफ ऑब्सोलेसेंस इज यूजफुल वाइल अप्लाइंग डेप्रिसिएशन और एवेल्यूएटिंग स्टॉक इन्वेंट्री, तब भी ये आपको चेक करना है कि रखा हुआ सामान भी बेकार हो जाएगा। फिक्स्ड एसेट में बिकम ऑब्सोलेट इवन बिफोर द एंड ऑफ इट्स प्रेडिक्टेड यूजफुल लाइफ। आपने जो पहले यूजफुल लाइफ मतलब प्रोडक्ट की कि इसकी हमें सैलवेज वैल्यू इतनी मिल जाएगी, ये 5 साल चलेगा, और कोई नया आइटम बीच में आ गया, तो न तो वो सैलवेज वैल्यू रही, न उसकी उतनी वैल्यू रहेगी। तो वाइल एवेल्यूएटिंग इन्वेंट्री ऑल ऑब्सोलेट और आउटडेटेड आइटम्स आर सपोज टू बी चार्ज टू द इनकम स्टेटमेंट। उस समय फिर वो पूरा आपको सब सिस्टम इनकम स्टेटमेंट का चेंज करना पड़ेगा। सपोज ए फैक्ट्री ओनर परचेज ए मशीन फॉर इट्स प्रोडक्शन शॉप, बट आफ्टर सम ड्यूरेशन ए बेटर मशीन कम्स इन द मार्केट हुज प्रोडक्शन रेट इज़ वेरी हाई एंड मच इकोनॉमिकल। कोई कंपनी का मालिक है, उसके पास में मशीन है, कुछ टाइम बाद एक नई मशीन आती है मार्केट में जिसका प्रोडक्शन रेट भी बहुत हाई है और वो सस्ती भी है। ऑल दो द ओल्ड मशीन इज एफिशियंट बट बिकम्स आउट ऑफ फैशन एंड अनइकोनॉमिकल ड्यू टू द न्यू बेटर मशीन विच हैज़ कम इन द मार्केट। ओल्ड मशीन अच्छी भी चल रही है लेकिन अनइकोनॉमिकल क्यों हो गई, क्योंकि उससे बेटर मशीन मार्केट में आ गई। सो दिस इज नॉन एज ऑब्सोलेसेंस। कंसिडरेशन ऑफ द फैक्टर इज दैट मच इम्पॉर्टेंट एंड सम मनी शुड ऑल्सो बी सेट असाइड फ्रॉम द प्रॉफिट फॉर दिस कॉज। अब ये इस टर्म ऑब्सोलेसेंस के पीछे भी कुछ पैसा अलग से निकाला जाना चाहिए, ये मान के कि आज तो हमने सोचा कि 5 साल बाद 10,000 रुपये मिलेंगे इस आइटम के, हो सकता है 2,000 भी नहीं मिले, तो वो ऑब्सोलेसेंस वैल्यू इंक्रीज हो गई। हैंस ऑब्सोलेसेंस इज द डेप्रिसिएशन ऑफ एग्जिस्टिंग मशीनरी और एसेट ड्यू टू न्यू एंड बेटर इन्वेंशन और डिजाइन ऑफ इक्विपमेंट। तो डेप्रिसिएशन के साथ में एक तरह से ऑब्सोलेसेंस वैल्यू भी काउंट करनी पड़ेगी, जो कि नए और बेटर इन्वेंशन या नई डिजाइन की मशीन आने के कारण से हो सकती है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि हाँ, जैसे लाइसेंस है इसके केस में ऐसा नहीं रखा जाएगा, लेकिन कोई इक्विपमेंट के केस में ऐसा हो सकता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम फॉर द एस्टिमेटर टू प्रोवाइड। ये बहुत मुश्किल चीज़ भी है, ऑन कॉस्ट ऑन ऑब्सोलेसेंस, बिकॉज नोबडी कैन से व्हेन ए रिवोल्यूशनरी चेंज इन द मशीन इज कमिंग इन द मार्केट। हो सकता है 10 साल तक नहीं, हो सकता है 20 साल तक नहीं, हो सकता है 2 साल बाद आ जाए। तो ये कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। बट इज ए जनरल प्रैक्टिस टू रिड्यूस द लाइफ ऑफ मशीन सो एज टू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ द ऑब्सोलेसेंस। लेकिन फिर भी एक प्रैक्टिस रखी जाती है कंपनियों में कि कभी भी वो संभावित होता है कि हाँ भाई, हर 3 साल में मॉडल चेंज होता है, या 5 साल में मॉडल चेंज होता है, या कोई न्यूज़ के हिसाब से कोई नई मशीन पर काम चल रहा है,
नाउ द डेप्रिसिएशन एंड ऑब्सोलेसेंस चार्जेस आर कैलकुलेटेड इन द रिड्यूस लाइफ। सपोज ये एस्टिमेटर एक्सपेक्ट करता है लाइफ की, वो 20 साल तक मशीन चलेगी, तो हमने उसको डेप्रिसिएशन रेट ले लिया 100/20 यानी 5%। बट बाई कंसिडरिंग ऑब्सोलेसेंस ऑल्सो इट लाइफ मे बी टेकन एज 15 ईयर्स। अब ऑब्सोलेसेंस को अगर अपन सीन में लें तो ये मानेंगे कि ये मशीन की लाइफ तो 20 साल है, लेकिन 15 साल बाद ये हटानी पड़ेगी क्योंकि तब तक एक नई मशीन मार्केट में आ रही है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर आपको कंबाइंड डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। ऑब्सोलेसेंस चार्ज 100/15 हो गया, यहाँ 20 ईयर्स था, यहाँ 15 ईयर्स हो गया, 6.66 हो गया। यानी इंस्टीड ऑफ 5% वी हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन रेट बाई 6.66%। इसलिए डिफरेंस कितना हो गया, 6.66 - 5 1.66% विल बी ऑब्सोलेसेंस चार्ज। तो कंपनी कैलकुलेट करेगी कि ऑब्सोलेसेंस चार्ज कितना हुआ उस आइटम का, 1.66%। इस तरीके से हर आइटम के अपन ऑब्सोलेसेंस चार्ज भी साथ में निकालते जाते हैं। डिप्लेशन, ये लास्ट टॉपिक है इसका। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ सिस्टमेटिक रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एन एसेट्स जस्ट लाइक डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। जैसे अमोर्टाइजेशन में वैल्यू कम होती जा रही थी इंटेंजिबल की, उसी तरीके से डिप्रिसिएशन में कम होती है, उसी तरीके से कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिनकी जो ख़त्म होते जाते हैं, जो फिनिश होते जाते हैं। इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिप्लीशन इज मेनली एसोसिएटेड विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे मिनरल। अब ये मिनरल ख़त्म होते जा रहे हैं, ना वैल्यू डाउन हो रही है ना कोई सैलवेज वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल फ्रॉम द माइन, एक्सट्रैक्शन ऑफ लाइम स्टोन फ्रॉम ए क्वेरी, अनअर्थिंग ऑयल फ्रॉम एन ऑयल वेल। तो जैसे ऑयल रिफाइनरी सब में धीरे धीरे ये चीज़ें डिप्लीट होती जाती हैं। सच एज एसेट्स आर कॉमनली टर्म्ड एज वेस्टिंग एसेट्स सिंस दे आर इवेंचुअली यूज्ड अप द एंड विल हैव नो रिमेनिंग वैल्यू। ये जब ख़त्म हो जाएगा, जब ऑयल के कुएं से ऑयल ही ख़त्म हो गया तो उस कुएं की क्या वैल्यू रहेगी, तो उसकी कोई सैलवेज वैल्यू नहीं है। डिप्लीशन अकाउंटिंग इज फॉर्म ऑफ अप्लाइंग डेप्रिसिएशन ऑन सच वेस्टिंग एसेट्स, जो ख़त्म होते जा रहे हैं ऐसे एसेट के लिए डिप्लीशन अकाउंटिंग होती है। द परसेंटेज टू बी अप्लाइड इन कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द रेट एट विच द नेचुरल रिसोर्सेज इज बींग यूज। उसकी एक अपनी कैलकुलेशन है कि जैसे तेल का कुएं में तेल ख़त्म होता जा रहा है तो इसकी वैल्यू कैसे रिड्यूस होती जा रही है। कि अगर 10 साल बाद 20 साल मान लो लीज पे लिया है और ये पता है कि 18 साल 19 साल तक चलेगा, हो सकता है 15 साल बाद इसको कोई बेचना चाहे तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, तब उस समय वो वैल्यू डाउन हो गई। फॉर एग्जाम्पल एन ऑयल वेल वुड बी डिप्रिशिएटेड वैल्यू बेस्ड ऑन द रेट एट विच द ऑयल इज बींग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। तो दिस इज डिप्लेशन। सो नाउ वी हम समझ सकते हैं, पहले हमने टर्म समझा डिप्रिशिएशन, देन अमोर्टाइजेशन, ऑब्सोलेसेंस एंड डिप्लेशन। थैंक यू वेरी मच।